नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। कन्नौज के जिला अस्पताल के वार्ड बॉय पर जहर खुरानी के शिकार एक युवक ने रुपए चुराने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि दिल्ली से घर आते वक्त जहर खुरानी गिरोह ने उसे अपना निशाना बनाया था, लेकिन वह मुझे में रखे रुपए निकालने में नाकाम रहे थे। उसने वार्ड बॉय पर रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस और अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की है। रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह। के पास जहर खुरानी से पैसे उसके जेन से निकाल लिए गए, तो क्या सर मसला है ये? अभी बताया लोगों, मैं तो आज यहाँ पे नहीं था, मैं मैनपुरी कोर्ट में गया हुआ था, अभी कोर्ट से लौटा हूँ। कोर्ट लगाई थी मेरी कोर्ट में, तो जो भी शिकायत है तो मैं सुबह इसकी जांच कराऊंगा और जो भी कर्मचारी है उसको बुला के पूछूंगा क्या हुआ। सर क्या एप्लीकेशन आई थी आपके पास ये? अब मैंने अभी एप्लीकेशन पढ़ी भी नहीं, अभी जस्ट पहुँचे, एप्लीकेशन मुझे मिली है। कोई पैसे वैसे लेने का कुछ इसमें आरोप है, कोई मरीज भर्ती हुआ था तो उसके जहर खुरानी का, तो कोई पैसे वैसे रखते होंगे उसके पास, तो किसी कर्मचारी ने पैसे उसके निकाल दिए। सुबह वो कर्मचारी दोबारा से आएगा तो मैं उसको बुला के सर ये एप्लीकेशन किसने दी थी आपको? ये तो यही किसके पास थी? मरीज वाला पेशेंट के साथ वाले थे, वो यहाँ के हमारे फार्मेसिस्ट को दे गए, फार्मेसिस्ट को, यहाँ जो फार्मेसिस्ट हैं इमरजेंसी में। सर क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? अब कार्रवाई मिलती है, जो भी अब जांच कराए थे पता तो लगे क्या है, किसने पैसे लिए, पैसे वापस कराए जाएंगे, और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके खिलाफ उसकी कंपनी जहाँ से उसको नौकरी दी गई उसको उसके अगेंस्ट में रखा जाएगा, केस को कमचारी बताया जाएगा। सर जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो भी बता रहे हैं कि पैसे लिए थे? ले गए तो अब मैं जांच कराऊँगा कल सुबह, मैं तो इस समय नहीं था, सुबह जांच होगी तभी पता लगेगा, उससे पूछा उसको बुलाया जाएगा मौके से पूछेगा, और लोग भी बता रहे हैं तो उसकी कंपनी को लेकर गए। यहाँ पे एक जहर खुरानी का मरीज आया था, उसको इन लोगों ने भर्ती किया, तो मैं घर पे गया था, तो वापस यहाँ आया तो मैं उसको देखा मरीज को, तो हमारी मिसेस ने हमको बताया कि इसकी मोजे के अंदर पैसे थे, वो इसने निकाले, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जमा कर दिए जाएंगे, जब उसके माँ बाप आ जाएंगे तो उसको दे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके माँ बाप आए तो पैसा उनको नहीं दिया गया, वो ड्यूटी से जा चुका था, उससे जब बात की तो काफ़ी उल्टा सीधा बात कर रहा था, फ़ोन से ही बात कर रहा था। अब देखो इन लोगों को सबको बोला है, एप्लीकेशन लिख के दिया है, ये लोग क्या करते हैं खुद देखेंगे अपना। कौन मरीज था, कहाँ से आया था वो? ये शायद इटावा एटा का था, ये उसके माँ बाप से मतलब मालूम एटा से था। वो क्या आरोप लगा रहा था? वो यही आरोप लगा रहा था कि मेरे पैसे थे, और मरीज ने खुद बताया था, क्योंकि वो इतना होश में था, ज़्यादा मतलब वो नहीं था लेकिन होश में था, उसने उसका हाथ भी पकड़ा था, तो उसने फिर भी एक मतलब नशे की हालत में समझो था, एकदम बेकार था, लेकिन उसने उसको जान लिया था कि पैसा निकाल रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा, उसने पैसे फिर भी निकाल लिए। तो हम लोग सब लोग काफ़ी औरतें थी वहाँ पर बैठी हुई, इन लोगों ने ये सोचा कि ये स्टाफ में जमा हो जाएगा पैसा, लेकिन जब उसके माँ बाप आए तो मालूम पड़ा कि ये पैसा जमा नहीं हुआ, निकाले, और काफ़ी मरीज के साथ में काफ़ी पैसा चुरा लिया उसने। जी समझो चोरी हुआ और क्या, जब वो नहीं कबूला है चला गया तो चोरी हो गया पैसा। कौन है, क्या नाम है उस यहाँ का जो स्टाफ है जिसने चुराया पैसा? इसका नाम मनोज। कहाँ पे कार्यरत है? रहने वाला मतलब